मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री ओम प्रकाश तकलीचा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सरकार अभी भी 80% ब्यूरोक्रेसी पर चलती है। आप डिनाई करें, शिकायत करें, जो मर्जी है वो करें, पर इससे कुछ हासिल नहीं होगा। नौकरशाहों से जनता तो ठीक, नेता भी परेशान है। दरअसल राजधानी भोपाल में आरएसएस की तरफ से लघु उद्योग भारती का वार्षिक प्रादेशिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। दो दिनों तक चलते रहे इस सम्मेलन के अंतिम दिन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी पहुंचे। लघु उद्योग भारती संगठन के करीब 150 सदस्य और उद्योगपति भी यहां मौजूद थे। इस दौरान मंच पर अपने भाषण के दौरान मंत्री सकलेचा ने जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी को कटघरे में खड़ा किया, उसे सुनकर वहां मौजूद कार्यकर्ता और बिजनेसमैन भी सन्न रह गए। अपने संबोधन में उद्योग मंत्री ने यह भी कहा, हमें ही कुछ बीच का रास्ता निकालना होगा। क्योंकि सरकार 80% अभी ब्यूरोक्रेसी बना रही है, अब उसको डिनाई करके और मन में कुछ भी सोच रहे हैं, क्या लोग जितना मर्जी कर रहे हैं उससे कुछ भी नहीं निकलता। निकलता है तो हमें उसके पीछे से रास्ता उनके साथ मिलकर अपने नई सोच से निकालना पड़ेगा। तो सुन रहे थे आप, बहुत बड़ा बयान दिया गया है उद्योग मंत्री की तरफ से। और ज्यादा जानकारी के लिए और इसके मायने समझने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी शिखिल से। शिखिल, मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने बेहद बड़ा बयान दिया है, कहा जा सकता है कहीं ना कहीं उनका दर्द भी छलका है। ये भी कहा उन्होंने कि नेता ही नहीं जनता भी परेशान है ब्यूरोक्रेसी से। देखिए आकांक्षा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रदेश की राजनीति की अगर बात यहाँ पर की जाए तो अक्सर सरकार और नौकरशाही के बीच की जो टकराव की स्थितियां हैं वो अक्सर हमको देखने को यहाँ पर मिलती हैं। और यही नहीं बल्कि जिस प्रकार से जो आज बयान यहाँ पर उद्योग मंत्री सकलेचा ने जिस प्रकार से यहाँ पर कहा है कि 80% ही अपने आप में एक बड़ा खुलासा यहाँ पर नजर आता है। बीते दिनों की अगर बात यहाँ पर देखी जाए तो जो चित्रकूट में आरएसएस की बड़ी बैठक यहाँ पर हुई थी और उस बैठक में भी साफ तौर पर यह नसीहत यहाँ पर दी गई थी कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो सरकार का कामकाज यहां पर है उस पर ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं होनी चाहिए। बीते दिनों मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार की कई बैठकें यहां पर हुई जिसमें बीडी शर्मा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बैठकें यहां पर ली थी। शिकायतें यहां पर कार्यकर्ताओं ने की थी कि ब्यूरोक्रेसी है जो उनकी जो है वो उनकी सुनता यहां नहीं है और किसी प्रकार की कई प्रकार की समस्याओं का सामना जो है वो लोगों को और कार्यकर्ताओं को यहां पर करना पड़ता है। तब भी ये बात यहां पर निकल के सामने आई थी कि सरकार के आगे ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी यहां पर नजर आती है। कई बार मंचों से कई नेता इस बात को यहां पर समझाते हुए नजर आ चुके हैं, सफाई देते हुए नजर आ चुके हैं कि प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी जो है वो बाद में है, पहले सरकार है, संगठन है, बीजेपी है। लेकिन इसके उलट जो तस्वीरें आज हमारे सामने यहां पर आई कि जो उद्योग भारती जो कि आरएसएस का एक अनुसांगिक संगठन यहां पर है, उसका वार्षिक प्रादेशिक जो सम्मेलन यहां पर हुआ उसमें 150 लगभग जो संगठन पदाधिकारी और साथ ही साथ व्यापारी उद्योगपति यहां पर शामिल हुए थे, उनकी कई समस्याओं से उन्होंने मंत्री को जब रूबरू कराया तो मंत्री यहां पर संबोधन देते हुए यह नजर आए कि 80% सरकार जो है वो ब्यूरोक्रेसी जो है वो सरकार को यहां पर चलाती है, 80% सरकार को चलाने में ब्यूरोक्रेसी का यहां पर हाथ है। और इतना ही नहीं, वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये भी यहां पर कहा कि आप डिनाई कीजिए या शिकायत कीजिए, हमें इनके साथ ही मिलकर यहां पर चलना होगा, रास्ता यहां पर निकालना होगा। तो कुल मिलाकर देखा यहां पर जाए तो जिस प्रकार से जो दावे यहां पर मध्य प्रदेश में यहां पर किए जाते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो सेकेंडरी है, फर्स्ट जो है वो सरकार है, शासन है, सत्ता है, संगठन है और कहीं ना कहीं बीजेपी है, लेकिन स्थिति क्या है उसका खुद बात यहां पर मंत्री ने बयां यहां पर अपने संबोधन में कर दिया। और इतना ही नहीं बल्कि उनका खुद का भी एक दर्द यहां पर झलक कर सामने यहां पर आया कि जिस प्रकार से जो तमाम कामकाज हैं ये हैं, जिस प्रकार से जो कठिनाइयों का सामना यहां पर करना पड़ता है तो उसको लेकर खुद ही मिलकर रास्ता यहां पर निकालना होगा, ये उनका बयान यहां पर निकल कर सामने आता है। निश्चित तौर पर एक तस्वीर यहां पर दिखाती है क्योंकि अन्य प्रदेशों की अगर हम बातचीत यहां पर करें तो अभी फिलहाल जिस प्रकार से जो पंजाब की बात यहां पर की जाए तो वहां भी ब्यूरोक्रेसी का एक मामला यहां पर सामने आया था। या फिर हम यूपी की यहां पर बात करें तो योगी आदित्यनाथ के साथ जिस प्रकार से जो गृह विभाग की बैठकें बीते दिनों यहां पर हुई थी और एक मामला यहां पर निकल के सामने आया था कि ब्यूरोक्रेसी का जो टकराव है उसकी स्थिति यहां पर दिखाई दी थी। और मध्य प्रदेश की राजनीति में तो ब्यूरोक्रेसी को लेकर जिस प्रकार से जो बातें होती रही हैं वो अमूमन बड़ी खासी पुरानी यहां पर है, एक मुद्दा यहां पर है। इतना ही नहीं बल्कि देखा यहां पर जाए तो जब कमलनाथ सरकार यहां पर थी तब कांग्रेस ने इसको मुद्दा यहां पर बनाया था और ये बात भी
यहाँ पर कही थी कि शिवराज सरकार के राज में ब्यूरोक्रेसी जो है वो जबरदस्त हावी यहाँ पर रही है। तो आज जो है एक खुलासा यहाँ पर आकांक्षा यहाँ पर नजर आता है, सरकार की जो व्यवस्था है और जो सरकार जिस प्रकार से दावे यहाँ पर करती है, उन दावों की पोल जो है आज मंत्री सकलेचा ने यहाँ पर खोल दी है। बिल्कुल शिखिल, अब देखने वाली बात होगी कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन मिलता है, क्योंकि बीजेपी के खुद मंत्री जब इस बात को कबूल कर लेते हैं तो ये बात बेहद बड़ी बन जाती है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए शिखिल।